Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. So today was the last date to take the admission for the students who got their name in the second merit list. But are you someone who missed out taking your admission because you want to wait for the third list, or you didn't get your name, or you got your name but you were not able to take admission due to document or travel or any reason? Guys, make sure that you watch the video till then. I'll be answering the question that you have asked me on Instagram and YouTube comment. So guys, let's get started. This is a really important video because ye jo hai second phase of admission mein kya hone wala hai, nobody knows when the form will open, nobody knows. So all this confusion has led to lot of anxiety in students. But pehle hum baat karte hain jin bachcho ka naam list mein aa gaya hai aur you know form complete ho chuka hai, process and everything, unka kya. जैसे कि आप सभी जानते हो, टुमारो इज़ अ थर्ड मेरिट लिस्ट, और ये मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की है जिनका सक्सेसफुली फॉर्म एप्लीकेशन हो गया है, जिनका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नाम आया है, थर्ड लिस्ट में भी नाम आएगा. थर्ड लिस्ट में काफ़ी सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में शायद जा पाए अगर यू नो 2-3% का फॉल होता है तो. जैसे इफ़ यू हैव गॉटन भवंस बट योर ड्रीम कॉलेज इज़ रुइया, अगर 4% गिरा तो येस यू माइट गेट इन रुइया एंड यू विल कैंसिल द एडमिशन इन भवंस एंड टेक इट इन. I'm just giving an example कि क्या होने वाला है. So कल पता चलेगा हमें third list में कि क्या कैसे होने वाला है. So guys, tomorrow we'll know once the third list is out कि how much the percentage will drop. Now looking at what is the situation, most of the colleges में 30-40% seats cover हो चुकी है. So that's the reality, that's what I wanted to know. So जो बच्चे apply नहीं कर पाए, especially CBSE student, for your information guys, 30-40% seat reserve हो चुकी है कॉलेज में. तो second phase of admission जब शुरू होगा तो competition ज़्यादा होगा. So ये question बहुत ही स्टूडेंट्स का था कि मैम अब तो कंपटीशन ज़्यादा होगा. यस, एचएससी स्टूडेंट्स के लिए और भी चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी सेकेंड फेज़ ऑफ एडमिशन, जो कि मतलब अभी तक बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए, प्री एनरोलमेंट एंड एवरीथिंग. Talking about students also have got their name in the second merit list but due to some reason were not able to take the admission. Guys, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, यू विल हैव टू reapply in the college. अब लगेगा कि नहीं फिर से, वो नहीं पता, क्योंकि एक बार अगर आपका मिस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको 3 दिन पहले भी एक वीडियो बना के बोला था प्लीज़ रिजर्व योर एडमिशन, बिकॉज रिजर्व करना इज़ अ बेटर ऑप्शन देन रिग्रेटिंग कि आपने कहीं भी सिक्योर नहीं किया है. बिकॉज अगर अभी नाम चला गया है, वापस आपका नाम नहीं आएगा, फॉर्म डिस्कार्ड हो जाता है, अगर फिर से आपको वो कॉलेज में चाहिए तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और फ्रेश एप्लीकेशन का वापस लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है. सो यस, दैट्स इंडीड अ बैड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड आउट ऑन टेकिंग और रिजर्विंग देयर एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर कॉलेज. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जिनका नाम ही नहीं आया है लिस्ट में, गाइस गैप ईयर स्टूडेंट का आप जानते हो कि KC एंड HR कॉलेज कंसिडर नहीं कर रहा है. कुछ कॉलेजेस जो कंसिडर कर रहे थे, अगर उसमें आपने अपना फॉर्म भरा होगा तो आपका नाम आ गया होगा, और नहीं आया है तो यू विल हैव टू वेट, बिकॉज काफ़ी कॉलेजेस ने डिसाइड किया है कि गैप ईयर स्टूडेंट्स को ये बार वो लोग अलग से रख रहे हैं. द रीज़न इज़ कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं होने के वजह से परसेंटेज काफ़ी अच्छा आया था. सो दैट्स द रीज़न आई गॉट आफ्टर टॉकिंग टू फ्यू ऑफ द कॉलेजेस जिन्होंने गैप ईयर स्टूडेंट को कंसिडर नहीं किया. सो गैप ईयर स्टूडेंट्स यू विल हैव टू वेट अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो. थर्ड लिस्ट के बाद शायद एडिशनल लिस्ट में आ जाए, ऐसा कुछ वो करेंगे, दैट इज़ वॉट इज़ बीन सेड. बट क्या एग्जैक्टली करेंगे वो प्लान ऑफ एक्शन कॉलेजेस को खुद नहीं पता, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है. नथिंग ऑफिशियल कॉन्क्रीट सो फार केम आउट. नाउ अगेन सेम क्वेश्चन एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिर से खुलेगा क्या, कॉलेज फॉर्म फिर से खुलेंगे क्या. यस गाइज, इट विल बी ओपन सून, एक आध हफ्ते में हो जाना चाहिए, एक नहीं तो 2 हफ्ते में हो ही जाएगा. नहीं खुलना इज़ नॉट एन ऑप्शन, बट एज आई सेड कि कॉम्पिटिशन गोना बी टफ, किस हिसाब से एडमिशन होगा, कितनी एक्स्ट्रा सीट्स होंगी कॉलेजेस के पास, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता. द रीज़न इज़ नो बडी नोज एनी थिंग गाइस, सीरियसली सेइंग कि ये बार इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है सब कुछ ड्यू टू दिस सडन ऑफलाइन एग्जाम, देन आफ्टर दैट रिजल्ट डिले, देन यूनिवर्सिटी का ओपन होना, देन ये 2 फेजेज में एडमिशन होना. दिस
is really painful for students. But at this point of time, I would just like to tell you guys, please do not panic, because colleges जो है वो walk-in admissions भी लेंगे, extra seats भी उन्हें मिलेगी, आपका admission होगा. हो सकता है कि specific college में ना हो, इसलिए दो से तीन option रखें, plan A, plan B, plan C. मतलब कि if not this college और this college, तीन college आप पकड़ के चलिए. अगर आपका percentage okay आया है तो, 90 above आया है तो for sure मिल जाएगा, और अगर आपने entrance दिया होगा, entrance में अच्छा score किया है तो भी होने के 99% chances है. So जिनका स्कोर अच्छा है उन्हें तो इतनी टेंशन नहीं है, बट जिनका स्कोर ओके ही है उनका थोड़ा सा स्ट्रगल, बट ऑब्वियस गोना बी देयर. और एंड में क्वेश्चन मिनसेट का, मैंने ऑलरेडी कल वीडियो डाला था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आई होप दैट यू फॉलोड. सो जितने भी लोगों ने मिनसेट एग्जाम दिया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं विदाउट सीबीएसई का रिजल्ट, बिकॉज मिनसेट के स्कोर से आपका एडमिशन होना है. सो ट्वेल्थ का रिजल्ट नहीं है तो इट वोंट मैटर मच, बट अबाउट जेएससी, जैसे कि 10th July वॉज गिवन द लास्ट डेट, बट अभी वो जो डेट है 10th July की वो निकाल दी गई है जय हिंद कॉलेज के वेबसाइट से. तो यू विल हैव टू वेट फॉर सीबीएसई रिजल्ट, विदाउट दैट आप फॉर्म ही कैसे भरोगे, बिकॉज दे आर considering 50% of the mark. Now talking about XCT, उसका भी form नहीं आया है, जैसे ही आता है you know that you will get the update on my channel. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.